चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इसमें एसिडिटी की स्ट्रेंथ का मतलब, एसिडिटी में एसिडिटी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखने के लिए हम क्या करते हैं, एच प्लस हटा देते हैं, और एच प्लस हटाने वजह से जो कार्बेनायन बनता है तो कार्बेनायन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एस पी हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है, एस पी हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, एस पी टू है, और ये क्या है, एस पी थ्री है। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे जो निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा एच प्लस जाने की वजह से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देन देखो ये वाला भी एसिडिक होगा, लेकिन यहाँ पे सी थ्री का प्लस आई लग रहा है ना, तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल करेगा। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, देन सेकेंड ये होगा, देन थर्ड ये हो जाएगा, और देन फोर्थ ये हो जाएगा। तो यही वाला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि सी एच का जो एस पी हाइब्रिडाइज वाला होता है वो पहले आएगा। तो ये दोनों पहले है, उसमें सी एच थ्री का प्लस आई है, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, बाकी सब तो इनकरेक्ट है। सेकेंड रिएक्शन देखो, प्रिडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट एंड द प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट बताना है और प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट क्या है सही है। एक्चुअली यहाँ पे देख के देखो, एस टू ओ और एस टू एस ओ फोर, एच जी एस ओ फोर देख के लग रहा है ये फिर कौन सा, हाइड्रेशन तो है लेकिन एल्काइन का है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कुचरोब रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कुचरोब रिएक्शन बोलते हैं। कुचरोब रिएक्शन में इसमें देखो होगा क्या, पहले कि यहाँ से जो एस टू सो फोर से जो एस प्लस होगा, देखो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, किधर ब्रेक होगा, इधर ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो यहाँ से एच प्लस होगा वो एच प्लस किस तरह कम्बाइन हो जाएगा, यहाँ पे कम्बाइन हो जाएगा। कम्बाइन होने के बाद देखो क्या बनेगा, सी एच थ्री इधर तो वही है, सी एच थ्री इस कार्बन पे पॉजिटिव, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे सी एच पे क्या आ गया, एक एच आके जुड़ गया, तो सी एच टू हो गया। यहाँ पे निगेटिव आया था, और निगेटिव पॉजिटिव एच प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ से एच टू ओ जो होता है, वो एच टू ओ है जो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, अटैक करने के वाले से क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच बन जाएगा, और सी एच टू हो जाएगा, ये बन जाएगा बीच में। तो ए और बी बताना था, एक इंटरमीडिएट और एक बी बताना है, ए और बी कौन कौन से हो गए। तो देखो ए के बारे में तो आइडिया लग गया, ये क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड से ओ एच होता है। अब ये क्या करता है, टॉटोमेरिज्म होता है इसका, इसके क्या होता है, टॉटोमेरिज्म होता है, और ये एच क्या होता है, यहाँ पे सी ओ बना के यहाँ पे क्या बना लेता है, सी एच थ्री बना लेता है। ये एच प्लस के फॉर्म में जाएगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, और डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे सी एच टू निगेटिव आएगा, वो डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये टॉटोमेरिज्म करके क्या बन गया, सी एच थ्री सी ओ और सी एच थ्री बन गया। तो एसीटोन क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या होगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा इसे कीटोन। और बीच में इंटरमीडिएट क्या बना था, एल्कोहल बना था, 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट ए में तो सही है इंटरमीडिएट, बस उसका प्रोडक्ट गलत है। बी में चेक करो, बी ऑप्शन में क्या है, इसका ए का इंटरमीडिएट गलत है। सी में चेक करो, ए में देखो इंटरमीडिएट सही है, और इसका प्रोडक्ट भी क्या है, सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी का आंसर हो जाएगा, इसमें कीटोन बनता है कुछ जरूर रिएक्शन में। डी तो इनकरेक्ट ही है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ही क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, इसका इंटरमीडिएट ही क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए ये आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्या बोला जा रहा है, कन्फॉर्मर्स के बारे में बोला जा रहा है कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्फॉर्मर्स ऑफ इथीन इथेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है इथीन इथेन के कन्फॉर्मर्स में। तो इथेन का कन्फॉर्मर्स में दो ही होंगे, एक तो देखो इथेन है तो एच एच और एच रहेगा तीनों आगे वाले हाइड्रोजन पे, एक एक्लिप्स फॉर्म होगा इसका कि पीछे वाले कार्बन पे भी क्या है, एच एच है, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेगर्ड फॉर्म हो जाएगा, जहाँ पे सब एच एच रहेंगे और उनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री रहेगा। तो दो ही कन्फर्म होंगे, एक स्टेगर्ड फॉर्म होगा और एक ये होगा। तो कह रहा है कि बोथ बॉन्ड एंगल
बॉन्ड एंगल चेंजेस बट द बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। तो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम होता है इसमें। जो एंगल कंफर्मर्स में क्या होता है, ये आगे वाले कार्बन और ये पीछे वाले कार्बन के इनका बीच का एंगल चेंज होता है। जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल तो इसको बोलेंगे, जो आगे वाले जो बॉन्ड है एक के बीच में ये वाला एंगल है, तो वो तो हमेशा क्या होगा 109 ही रहेगा। sp3 है तो वो क्या होगा, बॉन्ड एंगल तो हमेशा क्या रहेगा 109 डिग्री ही रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइज है तो बॉन्ड एंगल नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है, डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है। डाईहेड्रल एंगल चेंजेस क्या चेंज होता है, डाईहेड्रल एंगल चेंज होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे कह रहा है बॉन्ड एंगल चेंजेस, तो ये गलत है। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ दोनों चेंज हो रहा है, ये भी गलत है। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ रिमेन कॉन्स्टेंट, ये सही है। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन क्या पे है, ये ऑप्शन इधर दिया हुआ है। देखो कह रहे कि बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंजेस, तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, वो दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये समझ गया आगे। थर्ड नंबर, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ हैलाइड कंपोनेंट फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए मैं क्या दूं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है यहाँ पे और कोई अल्काइल हैलाइड RCl को ही होता है, तो यहाँ से Cl चला जाता है और R प्लस फॉर्म होता है। तो जहाँ पे R प्लस फॉर्म होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। जिसमें R प्लस फॉर्म हो जाएगा, तो देखो किसमें किसमें R प्लस फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन में तो R प्लस फॉर्म नहीं होगा ना, क्लोरोबेंजीन में तो ये वाला क्लोरीन आसानी से जाता नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, लोन पेयर और सिंगल और डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में होता है, तो ये वाला जाता नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ब्रोमोबेंजीन भी ऐसे ही कुछ है, ब्रोमोबेंजीन में भी ब्रोमीन जाएगा नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में इसके साथ बेंजीन के साथ रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो ये भी नहीं जाएगा, तो आंसर ये भी नहीं होगा। क्लोरोइथीन देखो, क्लोरोइथीन हो जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे CHCl जुड़ा हुआ है, तो इसका भी लोन पेयर देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो ये वाला भी क्लोरीन निकल के कार्बो कैटायन नहीं फॉर्म होगा, तो ये क्लोरोएथीन भी नहीं होगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो सकता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कौन से किसको बोलेंगे, CH अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसोक्लोराइड का तो ये तो क्लोरीन जा सकता है और यहाँ पे कार्बो कैटायन क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है और वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द एटम्स आर कोप्लेनर। सारे के सारे एटम क्या है, कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर क्या होता है, sp रहेगा या फिर sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा कार्बन, तो सारे एटम क्या रहेंगे, प्लेनर हो सकते हैं। तो देखो इसमें ये पहले वाले में क्या है, sp2 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 सारे sp2 है, सब के सब क्या है, sp2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या होंगे, एक प्लेन में आएंगे। इसमें देखो एक sp3 है, सारे sp3 है, तो ये तो नहीं होगा प्लेनर, क्योंकि जहाँ sp3 रहेगा तो वहां पे तो एंगल क्या आएगा, 109 डिग्री आ जाएगा, 109 डिग्री, और वो 3D में आ जाएगा, ये सारे 2D में हो जाएंगे। यहाँ पे देखो इतना तो 2D में है, लेकिन ये CH3 के जो बाकी एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल शेप में आ जाएंगे, 109 डिग्री पे आ जाएंगे टेट्राहेड्रल शेप में, तो ये क्या होगा, इस वजह से ये प्लेनर नहीं होगा। इसमें तो है ही है ढेर सारे, सब sp3 वाले हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, सारे सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कह रहा है पायरोल दिया हुआ है, ये पायरोल कंपाउंड है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन विच, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे मैक्सिमम होगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हमें आइडिया लगेगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड बनेगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है और यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे निगेटिव, ये डबल बॉन्ड है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं।
नेक्स्ट यूनिटी स्ट्रक्चर देखो, यहाँ से आप निगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पे क्या जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था और ये निगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। एक और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे निगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आ गया। फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है और एच है और प्लस। अब इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल कौन कौन सा है, देखो दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, इन चारों में कंपेयर करना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं। इन चारों में क्या करते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है, एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड तो इसमें भी है, एक डबल बॉन्ड, दो दो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में, सब में डबल बॉन्ड दो दो है और पॉजिटिव निगेटिव कार्बन कार्बन पे ही है, नाइट्रोजन पे फिक्स है, तो वो भी सेम आ जाएगा। बाकी के बीच के सारे रूल से डिसाइड नहीं करेंगे, बट जो रूल से डिसाइड होगा वो होगा कि उनके पीछे अपोजिट चार्ज है और यहाँ पे देखो अपोजिट चार्ज क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे। तो अगर पॉजिटिव निगेटिव ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं तो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है अगर मोर डिस्टेंस पे रहेंगे तो, और जितना कम डिस्टेंस पे रहेंगे तो उसमें क्या होगा, स्टेबल होगा, लेस डिस्टेंस रहेगा तो स्टेबल होगा। तो इसमें देखो ये वाले में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दोनों पास में है, और फिर यहाँ पे देखो इस वाले में ज्यादा स्टेबल है तो पास है। तो जो दोनों स्ट्रक्चर, ये मान लो इसको वन मान लेते, इसको टू मान लेते, तो वन और ये थ्री हो जाएगा, ये फोर है, तो वन और टू क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये वाले क्या है, ज्यादा स्टेबल है, इनका परसेंटेज ज्यादा होगा, यानी कि इसमें निगेटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट रहने की कोशिश करेगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा रहने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, उसका परसेंटेज क्या होता है, उसमें ज्यादा होता है, उस कंपाउंड परसेंटेज उसका क्या जाता है, इन दोनों का परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यानी टू और फाइव पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज होने से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एंड फाइव, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सेवन नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, प्रोपीन नहीं फॉर्म हो सकता है बाई रिएक्शन विथ, प्रोपीन बाय रिएक्शन विद एच बी आर फॉलोड बाई एलिमिनेशन, एच बी आर और उसके बाद से एलिमिनेशन कराने से नहीं फॉर्म होता, या फिर डायरेक्ट एलिमिनेशन से नहीं फॉर्म हो सकता, किसमें प्रोपीन फॉर्म नहीं हो सकता, सी एच थ्री, सी एच डबल वन, सी एच टू, किसमें फॉर्म नहीं हो सकता है। तो पहला देखो ये साइक्लोप्रोपीन है, तो साइक्लोप्रोपीन की रिएक्शन देखो ये क्या होता है, या तो बी आर टू से रिएक्शन कराओ, या एच बी आर से रिएक्शन कराओ, या एच सी एल टू से रिएक्शन कराओ, या एच सी एल से रिएक्शन कराओ, तो ये ब्रेक हो जाता है, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, कम रिंग की होने की वजह से ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होगा तो यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एच जुड़ गया और इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ गया, बी आर जुड़ गया, तो यहाँ पे बी आर जुड़ा हुआ है, तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, एच बी आर के केस में कह रहे हैं, तो अब यहाँ से हाइड्रो हेलोजिनेशन हो सकता है, यहाँ से एलिमिनेशन कराएंगे, एलिमिनेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एल्किन बन सकता है, और इसको तो ये रहे, एल्किन बन सकता है, तो ये क्या होगा, इससे एल्किन फॉर्म हो सकता है, इसमें पूछा गया कि किसमें नहीं फॉर्म हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा, इससे तो फॉर्म हो जा रहा है।
सेकेंड देखो ये तो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा देंगे, यहाँ से OH निकल जाएगा, कार्बो कटायन बनेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन से ही क्या बन जाएगा, ये एलिमिनेशन से ही प्रोटीन बन जाएगा, तो ये भी इससे भी फॉर्म हो सकता है। इसमें देखो ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड होना है, तो ये क्या होगा, ब्रेकअप वो निगेटिव आएगा, इस पर कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और Br- अगर मान लो यहाँ पे अटैक किया और H+ क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि निगेटिव है, तो H+ देखो CH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Br अटैक कर देगा और यहाँ पे O- है तो वहाँ पे क्या होगा, OH अटैक करेगा, ये बाद में टोटोमेरिज्म करके फिर से ये बन जाएगा CH3 CBr और CO बन जाएगा, बट ये एक प्रोटीन नहीं बनेगा, ये क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि इससे प्रोटीन नहीं फॉर्म कर सकते। यहाँ से तो हाइड्रो एलोजिनेशन रिएक्शन करा देंगे, E2 मैकेनिज्म करा लेंगे, E1 एलिमिनेशन से क्या हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, सी से नहीं फॉर्म कर सकते क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड एसिड हैलाइड बन जाएगा, समझ में आ गया होगा। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, देखो कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक बेंजीन रिंग दिया हुआ और एक ये दिया हुआ है, तो HF है तो ये देखो ब्रेक होता है किसमें, H+ और F- में, ये है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, तो ये देखो सबसे पहले पाई बॉन्ड इधर ब्रेक होगा निगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो H+ क्या हो सकता है, जहाँ पे निगेटिव आएगा वहाँ पे अटैक कर लेगा और न्यूट्रल बन जाएगा, तो दूसरे वाले पे क्या आ जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे H जुड़ गया, अब पॉजिटिव पे अटैक कौन कर सकता है, F- भी कर सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और F- है, तो F- इतना स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, नॉट स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, तो वो अटैक नहीं करता, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो कहीं पे भी बेंजीन है तो बेंजीन भी तो कहीं पे भी हो सकता है, एच हट के वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को लगा दो ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही प्रोडक्ट बनाया गया, लेकिन एफ नहीं आएगा उसमें, अगर एफ लगा देंगे यहाँ पे, एफ का अटैक करा देंगे तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा ही नहीं, अगर यहाँ पे एफ जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा ही नहीं, फिर अटैक करेगा नहीं, तो ये तो आप आंसर हो ही नहीं सकता, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों हो सकते हैं इसमें है नहीं, एफ एफ है नहीं, और एफ है नहीं तो ये ही बनेगा, ये दो 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 कहाँ से आ जाएंगे, दो दो नहीं आएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया। नाइन नंबर देखते हैं, कह रहे द कंपाउंड दैट इज रिएक्ट विद मोस्ट रीडली विद ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से ब्रोमिनेशन होता है ना, ब्रोमिनेशन होता है तो वो मैकेनिज्म कौन सा होता है, ब्रोमिनेशन होता है तो मैकेनिज्म कौन सा होता है, फ्री रेडिकल होता है, और फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमने पढ़ा था कि ये ब्रोमीन के केस में क्या होता है, ये सिलेक्टिव होता है रिएक्शन, बाकी सब तो बहुत फास्ट होते हैं, आयोडिनेशन होता नहीं है, केवल क्लोरिनेशन हर पोजीशन पे होता है, और क्लोरिनेशन में तो सारे बॉन्ड ही ब्रेक हो जाते हैं, ये सिलेक्टिव होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होगा, C3H6 में होगा, क्योंकि तो अगर देखो C3H6 क्या होता है, प्रोपीन होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, तो अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा तो ये क्या होगा, रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन में ही क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, C2H2 पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तो क्या होगा, ऐसे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा तो ये डबल बॉन्ड पे आया तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, C2H4 पे भी आएगा तो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, CH3 मतलब C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ये तो CH3 डबल बॉन्ड CH है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और C4 एल्केन में भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलेक्टिव होता है, वहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा फ्री रेडिकल इसमें प्रोपीन में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्ट होगा से ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन, एथेन का एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म देखो इसमें से ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है, ऑब्वियस सी बात है स्टेगर्ड वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे एच एच है और देखो जो यहाँ पे पीछे वाले एच हैं ये एच हो जाएगा, ये एच होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्लिप्स हो गया, एक्लिप्स और ये किसका स्टैगर्ड आ जाएगा, तो ये वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो अब ऑप्शन पढ़ लो,
एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथिन इज मोर स्टेबल, गलत, एक्लिप्स वाला नहीं स्टेबल होता है, स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथिन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स, ये सही है, बिकॉज स्टेगर्ड कन्फर्मेशन हैज नो टोरिशनल स्ट्रेन। टोरिशनल स्ट्रेन क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इनमें इतना ज्यादा रिपल्सन है नहीं, टोरिशनल स्ट्रेन है नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। सी कह रहा है स्टेगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथिन इज लेस स्टेबल, तो स्टेगर्ड वाला तो मोर स्टेबल होता था, तो ये तो लेस स्टेबल होगा नहीं, एक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथिन इज मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल नहीं हो सकता है, एक्लिप्स मोर स्टेबल नहीं हो सकता है, तो रीजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब इथिन क्या होता है मोर स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, थैंक यू।